hello everyone this is my fourth lecture of chapter 3 metal and non-metal in this video i will tell you about iron and occurrence of metal hope you like my video and if you like my video so please like share and subscribe don't forget to press bell icon so you will get new notification okay so today's topic is iron what is iron an iron is an electrically charged atom फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम क्लोरीन आयन ओके सो ये जो आयन्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं तो पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है वो अब हम, हम देखते हैं तो एज यू एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हम सोडियम आयन को देख रहे हैं सोडियम एटम को देख रहे हैं तो सोडियम एटम जो है अपना वन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है लूज कर रहा है और अटैंड कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज वहीं क्लोरीन जो है वो एक एटम गेन कर रहा है और एन आयन को बना रहा है ओके okay. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन क्या होते हैं नेक्स्ट है हमारा कि जो मैटर है नॉन मेटल है तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं लेट्स लर्न मोर अबाउट इट वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन अगेन तो सोडियम और क्लोरीन का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जो हमारा सोडियम है वो होता है हमारा मेटल एंड क्लोरीन जो है हमारा नॉन मेटल होता है एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज इलेवन सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज टू एट वन ओके सो दो आठ एक इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड जो एटोमिक नंबर ऑफ क्लोरिन होता है वो होता है सेवनटीन ओके okay, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेवनटीन है सो तो इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाती है टू एट सेवन तो क्लोरीन को क्या चाहिए वन इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और सोडियम जो है वो इजीली लूज कर सकता है अपना वन इलेक्ट्रॉन तो आप डॉट स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे ये लुइज डॉट स्ट्रक्चर है इसमें सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है दे रहा है क्लोरीन को और इसी तरीके से ये बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड ओके तो आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्या बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है ठीक है अभी बॉन्ड के बारे में मैं और आपको आगे बताऊंगी बट इसमें ये लुइज स्ट्रक्चर में आप देखिए कि जो सोडियम है सोडियम के पास जो है लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी वन है तो वो वन जो हो रहा है वो क्लोरीन को दे रहा है क्योंकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट लेने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस तरीके से ये क्या करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और आयनिक बॉन्ड बना के एन बनता है ओके लेट्स डिस्कस मोर अबाउट बॉन्ड्स ओके टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स देर आर टू टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड ओके सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड ओके जैसे हमने देखा था अभी सोडियम में सोडियम क्लोराइड में तो सोडियम और क्लोरीन जो बॉन्ड बना रहे थे वो है आयनिक बॉन्ड ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड जो आप आगे जो चैप्टर है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कार्बन है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं ये शेयरिंग से बनते हैं बट आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं अब ये जो है हमारा टॉपिक खत्म हो गया इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अक्रेंस ऑफ मैटल अक्रेंस ऑफ मेटल ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सो so, जो अक्रस ऑफ मेटल है मेटल हमें कहाँ से मिलता है जैसे हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमें वैसा तो मेटल मिलता नहीं है ठीक है सो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल एंड सी वाटर ऑल्सो कंटेन सॉल्ट और मेटल लाइक सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ओके सो अगर हम बात करते हैं मेटल की तो वो हमें किस फॉर्म में मिलता है वो हमें मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है अब ये मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से ये मिनरल्स हमें अर्थक्रस्ट या सी वाटर में मिलते हैं लेकिन जो मेजर सोर्स होता है हमारा मेटल का या मिनरल्स का अगर हम बात करें तो वो होता है अर्थक्रस्ट सो द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स ओके और अगर हम बात करते हैं ओर की ठीक है ओर्स क्या होता है मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल and the metal can be profitable extracted from it. These minerals are called ores. अगर हम बात करते हैं ore की तो क्या होता है किसी भी mineral का अब हमें minerals पता पड़ गया minerals हमें कहाँ मिला earth crust पे और कहीं कहीं पर हमें कहाँ पर मिला sea water में भी मिलता है ठीक है जैसे कुछ हमने salt के बारे में पढ़ा था तो अभी हम बात करते हैं earth crust की तो earth crust में जब हमें mineral मिल रहा है और अगर उसमें एक पर्टिकुलर मेटल का वेरी हाई परसेंटेज हमें मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे ओर्स ठीक है अब नेक्स्ट है कि हम जो ओर और है ओर्स है उसमें से किस तरीके से जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो नाउ यू आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन देखो स्क्रीन पे आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है तो फ्लो चार्ट में आप देखिए आपको जो मेटल होगी वो तीन तरीके की मेटल होती है हमने अभी बात करी थी कि तीन तरीके से होती है या तो हाईली रिएक्टिव होगी या जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होगी या लेस रिएक्टिव मेटल होगी अगर हम हाई रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं वो हमें क्या इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम उसका और हमें क्या होगा प्योर मेटल जो है मिल जाएगी लेकिन अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं तो मॉडरेट में क्या होता है मॉडरेट मेटल में या तो हमें उसके कार्बोनेट मिलेंगे या हमें सल्फाइड और में मिलेगा ठीक है अगर हमें कार्बोनेट और मिलता है तो कार्बोनेट और को हम क्या करेंगे कार्बोनेट को हमें पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रोसेस होगा कैल्सिनेशन का अब कैल्सिनेशन का प्रोसेस है क्या द कार्बोनेट और आर चेंज इन टू ऑक्साइड बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एयर वो कैसा होगा लिमिट में होगा तो अगर हम जो अमाउंट ऑफ एयर लिमिट में अगर हम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन और इसके बाद हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है सेकंड है हमारा सल्फाइड और अभी तो हमने कार्बोनेट ओर को लिया था कैल्सिनेशन के प्रोसेस से अब जो सल्फाइड ओर होगा वो हमें मिलेगा रोस्टिंग के प्रोसेस से अब व्हाट इज रोस्टिंग ठीक है द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इन ऑक्साइड बाई हीटिंग स्ट्रांगली ओके वहाँ पर हमने कैल्सिनेशन में देखा था कि हीटिंग स्ट्रांगली था बट द अमाउंट ऑफ एयर इज लिमिटेड बट यहाँ पे क्या है एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होना चाहिए ओके सो द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इन टू ऑक्साइड बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेज एयर और दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग ठीक है तो सल्फाइड का जो ओर होगा हमें रोस्टिंग के प्रोसेस से और कार्बोनेट का जो ओर होगा हमें कैसीनेशन के प्रोसेस से हमें ऑक्साइड मिल जाएगा किसका ऑक्साइड मिल जाएगा मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा अब मेटल के ऑक्साइड जब हमें मिल जाएगा फिर हम रिडक्शन टू मेटल करेंगे उसमें फिर प्योरीफिकेशन रिफाइनिंग के द्वारा कर लेंगे नाउ द नेक्स्ट जो हमारी मेटल होगी वो होगी लो रिएक्टिव मेटल जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं हमें उनके सल्फाइड ओर्स मिलते हैं ठीक है तो फिर हमें वही सल्फाइड ओर होगा तो हमें रोस्टिंग करना पड़ेगा रोस्टिंग क्या है एक्सेस अमाउंट में हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा तो सल्फाइड को और जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में स्ट्रांगली हीट करेंगे सल्फाइड को तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद हमें मेटल मिलेगा और मेटल को हम रिफाइन करेंगे रिफाइन क्यों करना पड़ता है क्योंकि मेटल जो होता है वो इतना प्योर नहीं होता उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज बचती है ये रोस्टिंग वगैरह का प्रोसेस करने के बाद तो रिफाइनिंग करना बहुत जरूरी होता है मेटल का नाउ लेट्स मोर टॉक अबाउट रिफाइनिंग ऑफ मेटल वॉट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज मैथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मैटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ओके अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है अगर हम उसका ऑपरेटस रेडी करते हैं तो उसमें क्या चीज होनी चाहिए तो सबसे फर्स्ट है अथिक ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड और इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सेकेंड जो हम लेंगे वो होगा अथिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड थोड एंड इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ओके एंड थर्ड इज अ वाटर सोलबल सॉल्ट जो सॉल्ट होगा मेटल टू बी रिफाइंड जिसमें हमें जो मेटल को रिफाइंड करना होगा वो होगा उसका सॉल्ट लेंगे हम इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट ओके सो अब इसका मैथड क्या है किस तरीके से हम जो है इसका ऑपरेटर्स हमें तैयार करना है नाउ यू आर एबल टू सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन तो इसमें जो है हमने एपरेटर्स तैयार किया हुआ है एपरेटर्स में जो है इम्प्योर कॉपर हमने लिया है एज एनोड और जो इम्प्योरिटीज जो है एनोड मड वगैरह जो आपको दिखाई दे रही है नीचे इसके बाद है हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और प्योर कॉपर का जो है कैथोड बनाया हुआ है अब इसमें क्या हो जाता है जब हम इसमें करंट पास करते हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट so impure copper from the anode dissolve and goes into copper sulfate solution and pure copper from the copper sulfate solution deposit on cathode एंड दस प्योर कॉपर मेटल इज़ प्रोड्यूस ऑन द कैथोड तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि जो हमें प्योर मेटल जो है वो कहाँ पे मिलता है एनोड पे मिलता है या कैथोड पे मिलता है तो हमें प्योर मेटल कहाँ पे मिल रहा है कैथोड पे मिल रहा है तो ये भी क्वेश्चन है क्योंकि आजकल तो दो दो नंबर एक एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं तो ये पूछा जरूर जाएगा मेरे हिसाब से तो, तो प्लीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो है प्रिपेयर कीजिए सारा कुछ और अब आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है मई में एग्जाम है तो आई थिंक यू हैव टू प्रिपेयर वेल और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा साइंस पे और उम्मीद करती हूं कि जो मेरे वीडियो हैं आपकी हेल्प करेंगे उसमें और कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए उनके साथ जिनको इस वीडियो का जरूरत है थैंक यू